नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीन बड़े लक्षण कोरोना से कितने अलग और कितने खतरनाक, आइए बताते हैं। कोरोना का सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है। जानिए इसके लक्षण क्या है। कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही का डर और खौफ अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि कोरोना का सबसे खतरनाक रूप ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो गई है। भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित दो मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में मिले हैं। कर्नाटक में जो पहला मरीज 66 साल का नागरिक है, जो साउथ अफ्रीका से दुबई होते हुए 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचा था। 21 नवंबर को उसकी टेस्टिंग हुई तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उसने बेंगलुरु के एक होटल में चेक इन किया, फिर 23 नवंबर को उसकी दूसरी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद दोबारा यह व्यक्ति 27 नवंबर को वापस दुबई चला गया, लेकिन जब उसके सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग की गई तो उसमें ओमिक्रॉन का पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आया। कर्नाटक में मिला दूसरा मरीज 46 साल का भारतीय नागरिक है, जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये शख्स कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है। 21 नवंबर को इसका कोविड टेस्ट हुआ, 22 नवंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती हो गया। 27 नवंबर को इसकी अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन अब पता चला है कि उसके कॉन्टैक्ट में आए 5 लोग पॉजिटिव हैं और सभी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में फर्क होता है। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में दो म्यूटेशन थे, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में उससे कई गुना ज्यादा म्यूटेशन है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रमण फैला सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की इसकी रफ्तार पहले वेरिएंट से बहुत ज्यादा तेज है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर एंजेलिना कोइटसिट के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान, हल्का सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश, खांसी की समस्या दिखाई देगी। इसके अलावा स्वाद या गंध नहीं आते। भारत में मिले ओमिक्रॉन मरीजों को अधिक थकान, कमजोरी और बुखार जैसे लक्षण नजर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मरीज को CT वैल्यू कम थी, जिसके बाद उनका सैंपल लैब भेजा गया। इनके संपर्क में आए 5 लोगों का भी टेस्ट पॉजिटिव आया है। कर्नाटक में जो पहला मरीज 66 साल का नागरिक है, जो साउथ अफ्रीका से दुबई होते हुए 20 नवंबर को बेंगलुरु आया था, 21 नवंबर को उसकी टेस्टिंग हुई तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उसने बेंगलुरु के एक होटल में चेक इन किया 23 नवंबर को। इस वक्त की हमारी खास रिपोर्ट। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN न्यूज।